Hey guys, welcome back to my channel. मैं आज को तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लेके गाइज देखो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3.5 का अपडेट ग्लोबल वर्जन्स में आने के लिए दो दिन हो चुके हैं। एंड गाइज ये अपडेट आने के बाद में कुछ ऐसे लीक प्रोवाइडर थे जिन्होंने हमको आज से कुछ दिन पहले ये चीज़ की लीक्स दी थी कि 3.5 के अपडेट का पहला अल्टीमेट सेट होने वाला है उजी ग्लेशियर जिसमें आएंगे। इसका नाम होने वाला है ग्लेशियर हैमर, मतलब ये तुम्हारे उजी का नाम होगा। तो इस अल्टीमेट सेट के साथ में रिटर्न करने वाली है UMP ग्लेशियर, मतलब विंटर हाइनेस सेट। अब गाइस जिस बंदे ने ये सेम लीक्स को प्रोवाइड किया था वही बंदे का ये चीज़ बोलना आ रहा है 3.5 के अपडेट में जो फर्स्ट अल्टीमेट सेट आने वाला है उसके साथ रिटर्न करने वाली है AKM स्टार सी एडमायरल। मतलब गाइस यहाँ पे चीज़ें थोड़ी आगे पीछे होती हुई नज़र आ रही है। अब देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि AKM स्टार सी एडमायरल जो है तो वो हमको दिसंबर में देखने मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बंदा चाहता था तो बड़ी आराम से प्राइम प्लस ले सकता था। स्टार सी एडमायरल वालों का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो बंदे UMP ग्लेशियर निकालने के लिए बैठे थे तो उनके साथ में शायद पॉसिबल है यहाँ खेल हो चुका है अगर तुमने प्राइम प्लस पहले ही परचेस कर लिया है तो। एंड अगर तुम लोगों ने प्राइम प्लस को नहीं परचेस किया है तो फिर आज की इस वीडियो में मैं तुमको सारी ही चीज़ें क्लियर कर दूँगा। एंड इनकेस ऐसा समझ के चल लो किसी बंदे ने उस टाइम पर भी प्राइम प्लस को परचेस कर लिया था, मतलब UMP ग्लेशियर निकालने के लिए, तो तुम्हारे लिए मैं और भी एक ट्रिक बता दूंगा, वो ट्रिक को फॉलो कर लेना। तुम्हारा पैसा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन तुम्हारे UMP ग्लेशियर के टाइम पे दो प्राइम प्लस बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर कर लेना कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर क्लिक कर लिया। तो गाइस देखो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को यही चीज़ बोलूँगा, AKM स्टार से एडमायरल निकालना है या फिर UMP ग्लेशियर निकालना है, जेब से पैसा मत लगाओ, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स चल रही है, उन्हें बिल्कुल यूज़ कर लो। लाइक गाइज मैंने तुमको परसों के ही वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि एक ऐप है जिस ऐप में सिर्फ एक ऐप को इंस्टॉल करके मैंने निकाला 400 रुपये। उसके अंदर KYC कंप्लीट करना था, IT से जो भी चीज़ें करनी थी सिर्फ मैंने वो की एंड मेरे को 400 रुपये मिल गए। भाई देखिए जो ट्रिक्स है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल रहे थे कि भाई KYC कैसे कंप्लीट करते हैं ये बताओ। जिस भी ऐप का KYC कंप्लीट करना है उसे जाके YouTube पर सर्च कर दो एंड उसके आगे KYC लिख दो, हाउ टू कंप्लीट KYC। ये चीज़ जब तुम लोग करोगे तो तुमको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे कि कैसे उस ऐप में KYC वगैरह कंप्लीट करना है। अब गाइस एक ऐप को इंस्टॉल करने पे मेरे को 400 रुपये मिला, उसके बाद में मेरे को यहाँ पे 3 ऐप देखने के लिए मिले थे। वो 3 ऐप मैंने डाउनलोड किए जिसमें से एक में KYC करना था, KYC किया। ये सब करने के बाद में तुम लोग अभी खुद स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे पास में पूरा 700 रुपये जमा हो चुका था। मैंने 700 रुपये पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया है, मैंने इसे मेरी UPI ID में ले लिया है। नाउ मैं जब भी चाहूँ इससे BGMI में जितना UC चाहूँ उतना परचेस कर सकता हूँ जितना भी 700 रुपये के अंदर आए। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है, जेब से पैसा मत लगाओ, इन चीज़ों को यूज़ करो, फ्री की चीज़ें हैं, फ्री में पैसा मिल रहा है, काफ़ी अमेजिंग। अब यही ऐप गाइज जिससे मैंने अभी 700 रुपये निकाला है, अगर तुम लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो इसे चेकआउट कर लें। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक के बारे में। लाइक सबसे पहले तो वही तुम्हारी ट्रिक है कि तुम लोगों को प्राइम प्लस परचेस करना है। अब जो तुमको ये प्राइम प्लस परचेस करना है इसके लिए तुमको लगेगा अच्छा खासा पैसा, 500 रुपये के बजट में एक प्राइम प्लस आता है। एंड तुमको दोनों में से अगर कोई भी रिटर्निंग गन निकालना है तो उसके लिए तुमको कम से कम 2 प्राइम प्लस, इसी के साथ में थोड़ा सा और यूज़। गाइज अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन की बात कर लूँ तो ऐसा समझ के चल लो हर बंदे को दिन का जो पहला स्पिन होता है 10 UC में वो तो करना ही करना है भाई। 30 दिन के लिए दोनों में से जो भी इवेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करें 30 दिन के लिए BGMI में रहेंगे। 10 UC के हिसाब से अगर उसका कैलकुलेशन मार ले तो हमको लगभग लगने वाला है 300 UC 10 UC के हिसाब से। एंड ये कैलकुलेशन है दिन के पहले स्पिन का सिर्फ, तो सबसे पहले इसको कंसिडर कर लो, उसके बाद में जब तुम लोग प्राइम प्लस परचेज करोगे तो तुम लोगों को तुम्हारे जेब से लगाना पड़ेगा लगभग 450 रुपये। 450 रुपये लगाने के बाद में तुमको 1850 UC के वाउचर मिलते हैं एंड इसी के साथ में 10-30 UC के वाउचर मिलते हैं। अब अगर तुम लोग 18 जो तुमको 50 UC के वाउचर मिले हैं उससे लगा कर 10-10 UC में स्पिन करते हो तो ऐसा समझ के चल लो तुमको 180 UC लगेंगे, उसके बाद भी तुम्हारे पास में 30 UC के 10 वाउचर बचेंगे। अगर तुम लोग उसे भी यूज़ करने के लिए जाते हो तो इसके लिए तुमको 300 UC लगेंगे। अगर मैं सिर्फ एक प्राइम प्लस एंड ये जो दिन का पहला स्पिन तुमको 10 UC में मिलने वाला है उसका कैलकुलेशन करके बता दूँ तो तुम लोगों को लगने वाला है 480 UC। अब ये जो 480 UC में बोल रहा हूँ यहाँ से मैंने माइनस किया है प्राइम प्लस का 300 UC, कैसे क्या क्यों वो तुम लोगों ने कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब यही चीज़ को तुम आगे और लेके जाते हो, मतलब ऐसा समझ लो कि तुम लोग अगर 2 प्राइम प्लस परचेस करते हो इसी के साथ में 10 UC का डेली 10 स्पिन करते हो तो तुम लोगों को जो ओवरऑल स्पिन करना है उसके लिए जो UC लगेगा उसका कैलकुलेशन होगा 660 UC, जिसकी हेल्प से तुम्हारा होने वाला है 680 स्पिन्स। अब गाइज यहाँ पे मैंने ना ही डील वाउचर की 50 UC के वाउचर ऐड किए हैं, ना ही रॉयल पास के कोई 50 UC के वाउचर ऐड किए हैं एंड गाइज मैंने ना ही यहाँ पे कोई और अदर 50 UC के वाउचर ऐड किए हैं।
अगर तुम लोग यहाँ पर रॉयल पास की वाउचर ऐड करोगे उसके हिसाब से यूसी भी बढ़ेगा, उसके हिसाब से स्पिन्स भी बढ़ेंगे। तो गाइज जो भी है तुम लोगों ने कैलकुलेशन करके प्लस माइनस कर लेना। बाकी करंट के लिए जो कैलकुलेशन मैं तुमको बता रहा हूँ इस तरीके से अगर तुम लोग सब कुछ करते हो तो तुमको 86 स्पिन मिलने वाले हैं। एंड ये जो 86 स्पिन तुमको लगने वाले हैं अगर मैं इसके भी कैलकुलेशन की बात करूँ तो लगभग ऐसा समझ के चल लो तुम्हारे को यहाँ पे जो यूसी लगने वाला है उसके लिए जो तुमको कॉस्टिंग आने वाला है वो 1000 से 1400 के अराउंड में होगा। तो अगर कोई बंदा चाहे तो इसके लिए तुम लोग डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी कुछ बंदे ये चीज़ कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई 80 से 90 स्पिन में भी बड़े वाले 3 जेम नहीं निकलते। तो भाई जिनके बड़े वाले 3 जेम नहीं निकलते तो तुम लोगों ने ये ट्रिक्स को यूज़ मत करना। तुम्हारे गाइज यहाँ पे बड़े वाले 3 जेम भला ही ना निकले लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर भी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 यूसी लगाया। एंड तुम लोग अभी खुद स्क्रीन पर देख सकते हो इस बंदे को 10 यूसी में क्या मिला है। इस बंदे ने ये चीज़ बताई कि इसने मॉर्निंग में 5:35 पे स्पिन किया था एंड जो कुछ किया था तुम लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो तुम लोग भी चाहो तो इस तरीके की ट्रिक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। गाइज ये तो बातचीत हो गई तुमको क्या कॉस्टिंग लगने वाला है, क्या कुछ तुमको लगने वाला है, सब कुछ मैंने तुमको यहाँ पे बता दी। नाउ हम लोग बात करते हैं ये जो डेट को बार बार चेंज होने की न्यूज़ निकल के आ रही है इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए क्या करना है। तो भाई देखो जिन लोगों ने पहले से प्राइम प्लस परचेज करके रखा है तुम्हारे पास में यहाँ पे ये सॉल्यूशन है कि तुम लोगों ने AKM निकालने के लिए चले जाना। अब अगर तुम्हारे पास AKM स्टार्स या एडमायरल भी है तो फिर मैं तुम लोगों को ये चीज़ बोलूँगा उसी निकालने के लिए चले जाना। अगर तुमको वो भी नहीं चाहिए तुमको UMP ग्लेशियर ही चाहिए। वैसे देखो मैं एक चीज़ अभी तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो बड़े बड़े लीक्स प्रोवाइडर है भाई उन सब लोगों के बीच में भी अभी एक बहुत गंदे वाला कन्फ्यूजन चल रहा है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि AKM हमको दिसंबर में देखने मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों से सुन के या फिर जिन लोगों की लीक से लेके मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी कि AKM हमको दिसंबर में देखने के लिए मिलेंगी, उन्होंने कल के ही दिन ये चीज़ अपलोड की है, उन्होंने कल के ही दिन ये चीज़ बताई है कि AKM हमको दिसंबर में नहीं बल्कि AKM स्टार्स या एडमायरल हमको देखने के लिए मिलेंगी नवंबर में, मतलब फर्स्ट अल्टीमेट सेट के साथ में। भाई देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अब जिन लोगों ने भी प्राइम प्लस परचेज कर लिया है तो भाई तुमको तो यहाँ पे नुकसान कंफर्म हो चुका है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मेरे एंड से तो कोई चीज़ें चेंज नहीं की है। बट जिन्होंने अभी तक प्राइम प्लस परचेज नहीं किया उनके साथ में क्या सीन है वो मैं तुमको आगे बताता हूँ। लेकिन जो लोग प्राइम प्लस परचेज कर चुके हैं एंड तुम लोग अभी भी ये चीज़ के मूड में हो कि भाई हमारे को तो दोनों में से ये गन निकालना ही निकालना है, इस सिनेरियो में तुम लोग क्या कर सकते हो। देखो AKM वालों का तो काफ़ी सीधा होगा, अगर AKM नवंबर में आती है तो तुमने अगर प्राइम प्लस पहले ही परचेस कर दिया था आज से 12 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग, तो फिर तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी AKM स्टार से एडमायरल तो कन्फर्म निकल जाएगी। अगर आप ऐसा कंसिडर करके चल लो तुमको वो गन स्किन नहीं निकालना है, तुमको UMP ग्लेशियर निकालना है। एंड लीक्स के अकॉर्डिंग अगर UMP ग्लेशियर लेट आती है, लेकिन गाइज मैं यहाँ पर बार बार क्लियर कर रहा हूँ अभी भी कन्फर्म नहीं है, अभी भी डेट में यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर यहाँ पे डेट आगे पीछे होती है एक्सचेंज होती है सिनेरियो में तुम लोगों को क्या करना है, वो भी अल्टीमेट सेट BGMI में आता है या PUBG मोबाइल में आता है उसके रिलीज होने से पहले उसकी 3D लीक्स निकल के आती है लगभग आने से 1 वीक पहले। मतलब अगर 27 तारीख को हमको नवंबर की देखने के लिए मिलने वाला है फर्स्ट अल्टीमेट सेट तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है हम लोगों को 20 तारीख को ही उसकी 3D लीक्स देखने के लिए मिल जाएंगी। उस टाइम पे ये चीज़ कंफर्म हो जाएंगी कौन से अल्टीमेट सेट के साथ में कौन सी गन रिटर्न करने वाली है, कौन से अल्टीमेट सेट के साथ में कौन सा अल्टीमेट सेट रिटर्न करने वाला है। तो फिर जब ये चीज़ 100% कंफर्म हो जाएंगी मैं तुमको बता दूंगा। बाकी अगर किसी को ऐसे रफली कैलकुलेशन करना है या फिर रफली कैलकुलेशन लगा कर पैसा वगैरह सेव करना है तो मैं तुमको ये बताता हूँ, तुमको जो भी परचेस करना है प्राइम प्लस परचेस करना है तो तुम लोग क्या करो 20 से 25 तारीख तक रुक जाओ। अब प्राइम प्लस के साथ में यहाँ पे ये सीन है, प्राइम प्लस जो है तुम अगर परचेस करके उसे कैंसिल कर देते हो तो 32 डेज के लिए तुम्हारा प्राइम प्लस चलता है। अगर कोई बंदा 25 तारीख को भी प्राइम प्लस परचेस कर लेता है, कंसिडर कर लो अगर तुमको AKM निकालना है एंड AKM नवंबर में ही आने वाली है तो तुम लोगों ने क्या करना 20 से 25 तारीख को प्राइम प्लस परचेस कर लेना अगर परचेस नहीं किया है तो, क्योंकि जो अल्टीमेट सेट आने वाला है वो आएगा 27 को एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट अल्टीमेट सेट आएगा वो आएगा तुम्हारा 27 दिसंबर। मतलब ये ड्यूरेशन में तुमको मिल जाएगा पूरे 30 दिन का या फिर 31 दिन का टाइम जहाँ पे तुम लोग बड़ी आसानी से सेकंड प्राइम प्लस भी ले पाओगे क्योंकि तुमको 32 डेज का टाइम मिलता है। मतलब ऐसा समझ के चलो लास्ट डे पे ही तुम लोग बड़ी आसानी से प्राइम प्लस ले पाओ। तो डेट का अभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैंने तुमको एक छोटी सी एग्जांपल से चीज़ें समझा दी। जब 3D लीक्स निकल के आ जाएंगी तब सारी की सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, उस टाइम पे मैं तुमको सब कुछ एकदम क्लियरली बता दूंगा। देखो मैंने तो तुमको सब कुछ बता दिया था एंड जो मेरी प्लानिंग थी वही प्लानिंग को यूज़ करके इससे पहले ही लोगों ने ऑक का अपग्रेडेबल गन स्किन निकाला, क्योंकि ऑक के आने के पहले ही मैंने एक प्लानिंग वाला वीडियो बनाया था, वो प्लानिंग काफ़ी सक्सेसफुली गई।
लेकिन इस बार इन्होंने डेट को थोड़ा सा आगे पीछे किया है। अब जैसे ही सारी चीज़ें कन्फर्म होती है मैं एक और वीडियो बना के तुमको सब कुछ बता दूँ। अगर एंड टाइम पे भी चीज़ें कन्फर्म होती है उस टाइम पे भी मैं तुमको सब कुछ बता दूँ। तो 3D लीक्स आने दो, सारी चीज़ें कन्फर्म आने दो, तब मैं तुमको बता दूंगा। वैसे मैंने तुमको एक छोटी मोटी टीज कर दिया है, एक छोटी मोटी लीक्स बता दी है, तुम लोग चाहो तो वो चीज़ें तुम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें तुम लोगों को डेफिनेटली हेल्प करने वाली। बाकी गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इससे रिलेटेड तुमको कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, तुम लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम लोगों को मेरा काम काम का लगा हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो तुम लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।